और खजुराहो से भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रबुद्ध जनों से संवाद करने का आज उनका कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के राजा भोज विमानतल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, नरेंद्र शिवाजी पटेल, सांसद प्रज्ञा ठाकुर, माया नारोलिया, विधायक रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्होंने स्वागत किया। खजुराहो से भोपाल पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में एक कार्यक्रम होना है, प्रबुद्ध जनों से वो चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और जैसे कि हमने कहा कि तमाम जो पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, आइए हम सब मिलकर के अब उस स्वागत इस कार्यक्रम के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमृतकाल में राष्ट्रोदय इस विषय पर हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन सुनने। और मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका। कार्यकर्ताओं से अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत की जमीन पर उतारने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने अगले 5 साल का लक्ष्य भी बताया, पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनाई, केंद्र की पिछली कांग्रेस सरकार को लेकर जमकर हमला भी बोला। मध्य प्रदेश पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य ने चुनावी महासंग्राम का आगाज कर दिया है। अमित शाह का अंदाज वही पुराना था। खजुराहो के मंच से अमित शाह ने राहुल गांधी को राम मंदिर बनने की तारीख बताई। ये राहुल बाबा 19 में मेरी मजाक उड़ाता था, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे बताएंगे। राहुल बाबा 22 जनवरी 2024 10 सहस्त्र सालों के इतिहास में नोट कर लीजिए, 10 सहस्त्र साल के इतिहास में एक दिन बन गया है जब रामलला 500 साल के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया और हिंदू, हिंदुत्व, महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाकर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया, इनके साथ ही महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया, राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। मोदी जी भारत छोड़िए, अभी यूएई में एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर नरेंद्र मोदी जी आए हैं यूएई। उसके बाद अमित शाह चुनावी मुद्दे पर आए और अगले 5 साल को महान भारत की नींव डालने वाला साल बता दिया। लगे हाथ ये भी बताया कि कांग्रेस के पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या होता था और मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती, मोदी जी ने अब वादा किया है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा, हमारा भारत पूर्ण विकसित देश होगा, हमारा भारत महान भारत बनेगा। अगले 5 साल महान भारत की नींव डालने के 5 साल।
आखिर में अमित शाह ने मध्य प्रदेश की जनता से प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जिताकर मोदी जी की झोली भरने का आह्वान किया और 400 पार के आंकड़े को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं को कूच करने का निर्देश दिया। और अभी अभी विधानसभा के चुनाव में आए सारे रिकॉर्ड तोड़कर फिर से एक बार कमल की सरकार आपने बनाई। मध्य प्रदेश के मेरे सभी मतदाताओं को मैं बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। 19 में एक बच गई थी, 19 में एक बच गई थी, 24 में 29 की 29 सीटें देकर मोदी जी की झोली भर दीजिए और 400 का आंकड़ा पार कराइए। इस तरह से अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का बिगुल मध्य प्रदेश में फूंक दिया और अब केंद्र की सत्ता के सबसे बड़े संग्राम में देश की सबसे बड़ी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। शैलेंद्र चौहान, News 18, खजुराहो। छतरपुर में हुंकार भरने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में बीजेपी लोकसभा क्लस्टर और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक के लिए पहुंचे अमित शाह का सीएम मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत किया। उसके बाद अमित शाह ने क्लस्टर की प्रबंध समितियों की बैठक ली। इसमें ग्वालियर, मुरैना, दतिया और भिंड लोकसभा क्षेत्र के 400 बीजेपी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल हुए। हर लोकसभा क्षेत्र से 100 पदाधिकारी, कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री खजुराहो के लिए रवाना हुए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक तरफ जमीन पर उतरकर काम कर रही है, वहीं प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में 29 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की पहली बैठक होने जा रही है। इसमें पार्टी 100 उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और फिर इसे जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे बड़े नेताओं के नाम का ऐलान हो सकता है। बीजेपी चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने की तैयारी में है। अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, तारीख से पहले प्रत्याशियों के नाम, विधानसभा चुनाव जैसा फॉर्मूला और बड़े नेताओं के नाम पहले। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें तारीखों की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरह से फॉर्मूला अपनाया गया था, पहले उन सीटों का चयन किया गया था, उन उम्मीदवारों का चयन किया गया था जो सीट बीजेपी हार गई थी, यानी कि यही फॉर्मूला इस लोकसभा चुनाव में भी अपनाया जाएगा। जिन सीटों पर बीजेपी अब तक जीत नहीं पाई है उन पर चर्चा लगातार हो रही है और उस पर आखिरी मुहर जो है वो 29 फरवरी को जब लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव समिति की पहली बैठक होगी तो वहां पर उम्मीदवारों के नाम का जो फैसला है उस पर मुहर लगाई जाएगी। सूत्र बता रहे हैं तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों पर जो है वो बीजेपी उस दिन फैसला करेगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी उसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, गृह मंत्री अमित शाह का होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का होगा और उसके बाद जो तमाम नामों पर जो फैसला लिया जाएगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी। इसको ये भी दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इधर कांग्रेस एक बार फिर चुनाव जीतने के लिए अपना चोला बदलने जा रही है। सेक्युलर शब्द को छोड़कर पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तैयार कर चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इसकी झलक दिखने लगी है। कांग्रेस की बदल रही रणनीति पर बीजेपी निशाना साध रही है। पार्टी का कहना है कि सब जानते हैं राहुल गांधी चुनावी हिंदू है, कांग्रेस हिंदू धर्म का अपमान कर रही है और मंदिरों पर टैक्स लगा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी भगवा रथ पर सवार होकर लोकसभा का मैदान मारने निकली है। दूसरी तरफ हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर आई कांग्रेस ने आम चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जे की कवायद में जुट गई है।
जिसकी झलक मध्य प्रदेश में नजर भी आने लगी है। एक बार फिर पार्टी राहुल गांधी को शिवभक्त के अवतार में उतारने जा रही है। महाकाल जो है पूरे देश की आस्था का विषय है और शिव भक्त हैं हमारे राहुल जी, तो निश्चित रूप से वो वहां मत्था टेकेंगे। चुनाव भी हिंदू बता रही है बीजेपी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पूरे के पूरे चुनावी हिंदू हैं, और जो है हिंदू की ये बात तभी करते हैं जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं, और उसके बाद वही कारगुजारियां करते हैं। अभी आप देखें, आपने दुनिया में ऐसी आग देखी है जो साल भर पहले लगी थी और अभी फिर से लग गई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सियासी, जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक समीकरणों को साधने की कोशिश पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि जनता जानती है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। उनकी असलियत कर्नाटक में सामने आ चुकी है। आस्था के केंद्रों का अपमान करने का काम कांग्रेस करती आई है और ये कितने भी प्रपंच कर लें, जनता जान चुकी है। देखिए, ये चुनावी हिंदू हैं, असलियत वहाँ कर्नाटक में खुल रही है। हिंदुओं की हत्या नरसंहार करने वाले टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वाले ये लोग जिस प्रकार से हिंदुओं का दमन करते हैं, उनके साथ भेदभाव, उपेक्षा और अपमान करते हैं, आस्था के केंद्रों का लगातार अपमान करते हैं, तो इनकी असलियत खुल जाती है। कितना भी प्रपंच रच लें, जनता इनको जान चुकी है, इसी मध्य प्रदेश में नकार चुकी है। एमपी में 2 मार्च से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने जा रही है। उससे पहले पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। हालांकि इससे पहले के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी को 24 कैरेट खांटी ब्राह्मण बता चुकी है। कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी भी चुनावी हिंदू वाले हथियार से वार कर रही है। न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी प्रत्याशियों पर मंथन कर रही हैं। दिल्ली में बीजेपी की हुई बैठक में शामिल होकर लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश की सभी 11 सीटें हम जीतेंगे। कांग्रेस इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकट देकर मैदान मारने का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी तैयार है लोकसभा का मैदान मारने के लिए। पार्टी प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में हिस्सा लेने के बाद सीएम साय रायपुर पहुंचे, एक बार फिर मिशन 11 का दावा दोहराया। दिल्ली में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई, जिसके बाद रायपुर पहुंचते ही सीएम साय ने कहा, कांग्रेस चुनाव जीतना तो दूर, लड़ने की भी स्थिति में नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण बैठक था भारतीय जनता पार्टी का, और आने वाले लोकसभा के चुनाव में 11 में से 11 सीट जीतने की रणनीति पर विचार हुआ है। रणनीति पर चर्चा हुई है, 11 की 11 सीट इस बार जीत के भारतीय जनता पार्टी को देंगे। एक तरफ बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्ष का सूपड़ा साफ करने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव का मैदान मारने के लिए कमर कस ली है। पार्टी नेताओं के क्षेत्र में दौरे और मंथन का दौर लगातार जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं। उन्हें इस बार महिला प्रत्याशियों के दम पर मैदान मारने का पूरा भरोसा है। पार्टी को उठाना, पार्टी के लिए काम करना, पार्टी को मजबूत करना मेरी जवाबदारी है, हम सब कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है। इसलिए हम लगातार पार्टी का बैठक कर रहे हैं, प्रदेश स्तर में, जिला स्तर में, विधानसभा स्तर में और ब्लॉक स्तर में हम लोग जाके बैठक कर रहे हैं, ताकि पार्टी को मजबूत करें और आने वाला समय में हमारे कार्यकर्ताओं को तैयार रखें, ताकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ें और हर लोकसभा सीट जीते, ये हमारा मेन मकसद है। उसी की तरह लगातार हमारे ब्लॉक में बैठकें हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच दावों और वादों का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीत से उत्साहित बीजेपी लोकसभा की सभी सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है। दूसरी तरफ प्रदेश की सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस लोकसभा चुनाव में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। रायपुर से युगल तिवारी के साथ जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18।